रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया टाटा आईपीएल 2022 का मैच नंबर 13 वानखड़े के मैदान पर। इस शानदार मैदान पर बैंगलोर की टीम ने दमखम दिखाते हुए इस मुकाबले में 4 विकेट से जीत दर्ज करी और पॉइंट्स टेबल में उथल पुथल कर दी है। आप सभी को बताया दोस्तों किस तरीके से बीच मझधार में मैच फंस चुका था बैंगलोर की टीम का, जब आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी, लेकिन यहाँ पर संकट मोचक के रूप में बने दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद। जी हाँ दोस्तों, दो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने फिनिशर की भूमिका अदा करने के लिए वैसे तो रखा गया है, लेकिन इन्होंने आज मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छी भूमिका अदा करते हुए टीम बैंगलोर को जब जीत दिलाई, जब वो उम्मीद खो चुके थे 87 रन पर 5 विकेट हो चुके थे, वहां से इन्हें 170 रन जैसा बड़ा स्कोर चेस करना था, लेकिन तब दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद ने अपनी बेहतरीन पारी से बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ इस मैच में पूरी वापसी कराई। एक बार फिर से जॉस बटलर का बल्ला खूब चला और यहां पर साथ ही साथ पूरा साथ मिला शिमरन हेटमायर का, लेकिन यूजी चहल की बेहतरीन गेंदबाजी के आगे बैंगलोर की टीम नहीं टिक पाई, लेकिन फिर भी अंतिम समय में आखिरी के ओवरों में पूरा पासा ही पलट दिया बैंगलोर की तरफ से दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद ने। पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। तो आरसीबी वर्सेस आरआर के बीच ये मुकाबला नंबर 13 टाटा आईपीएल 2022 का वानखड़े की पिच पर खेला। जी हां दोस्तों, शानदार यह स्टेडियम मुंबई का। वैसे इस पिच में उतनी अच्छी बल्लेबाजी के लिए कुछ खासियत देखने को नहीं मिली जैसी पिच के लिए जानी जाती है, लेकिन यहां पर बात करें दोनों टीमों की तो एक तरफ कप्तान संजू सैमसन तो दूसरी तरफ बैंगलोर के कप्तान फैफ डू प्लेसिस, जिन्होंने पिछला मुकाबला केकेआर को हरवाया था अपनी कप्तानी में। पहला मुकाबला हार गए थे बुरी तरीके से, लेकिन इस मुकाबले में वापसी करीब। जहां बात करें इनकी प्लेइंग 11 की, सबको उम्मीद थी ग्लेन मैक्सवेल की वापसी होगी, जॉस हेजलवुड की वापसी होगी, लेकिन अभी दोनों की वापसी का इंतजार है, लेकिन अगले मुकाबले में मैक्सवेल जरूर जुड़ेंगे ये कन्फर्म माना जा रहा है। फैफ डू प्लेसिस, अनुज रावत, विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, शरफन रदरफोर्ड, शहबाज अहमद, वानिंदु हसरंगा, डेविड विले, हर्षल पटेल, आकाश दीप और मोहम्मद सिराज इनकी प्लेइंग 11 में देखने को मिले, यानी कि सेम प्लेइंग 11 थी पिछली वाली जैसी। साथ ही साथ राजस्थान की बात करें तो अपने शुरुआती दोनों मैच ये टीम जीती थी, इस मुकाबले में भी जीत के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन दिनेश कार्तिक और शहबाज अहमद ने पूरा इनका कह सकते हैं अरमानों पर पानी फेर दिया। इनकी प्लेइंग 11 जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिकल, संजू सैमसन, शिमरन हेटमायर, रियान प्राग, रविचंद्रन अश्विन, नवदीप सैनी, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा, युजवेंद्र चहल हमें देखने को मिले। अब इनकी बेंच पर राशिवंदर दुसैन, जेम्स निशाम, नैथन कुल्टरनाइल जैसे खतर ना खिलाड़ी बैठे हैं, कि अगले मुकाबले में कोई चेंजेस करेंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब यहां पर टॉस जीतकर फैफ डू प्लेसिस ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान की टीम ने 169 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 169 रन 3 विकेट के लॉस पर बनाया। इनकी शुरुआत बेहद खराब रही, 2 ओवर तक इनके सिर्फ 6 रन थे और 1 विकेट यशस्वी जायसवाल के रूप में गिर चुका था। यशस्वी जायसवाल ने 6 गेंदों में 4 रन बनाया था। डेविड विले ने दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर इनका विकेट लेकर इनको चलता कर दिया था, वो विकेट डायरेक्ट विकेट था स्टंप आउट, लेकिन उसके बाद जॉस बटलर और देवदत्त पडिकल ने पारी को संभाला, जहां 70 रन की पार्टनरशिप हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच 10 ओवर तक, जहां पर हमें देखने को मिला 9.6, यानी कि 10वें ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 76 पहुंच चुका था 2 विकेट के नुकसान पर, जिसमें से देवदत्त पडिकल ने 29 बॉल में 37 यानी कि 29 गेंदों में 37 रन बनाए थे, 2 चौके 2 छक्के की बदौलत, और इस बीच इनका स्ट्राइक रेट 127 था। अब बारी थी जॉस द रियल बॉस की, क्योंकि वो तो अपना गेम दिखा ही रहे थे, कप्तान संजू सैमसन उनका साथ देने के लिए आए। पिछले मुकाबले में दोनों तीनों बल्लेबाजों ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाते हुए टीम के खिलाफ बहुत बेहतरीन तरीके से जीत दर्ज करी थी, लेकिन इस मुकाबले में फ्लॉप साबित रहे संजू सैमसन। 8 गेंदों में 8 ही रन बना पाए, एक बड़ा ही खूबसूरत छक्का वानिंदु हसरंगा की गेंद पर लगाया था, लेकिन T20 इंटरनेशनल मुकाबले की बात करें या T20 मुकाबले की बात करें, वानिंदु हसरंगा हमेशा ही संजू सैमसन को काफ़ी परेशान करते हैं, और आज भी जिस ओवर में छक्का लगाया पहली गेंद पर वानिंदु हसरंगा की, उसकी चौथी ही गेंद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर संजू सैमसन का विकेट लिया और वहां पर कैच पकड़ा था वानिंदु हसरंगा ने खुद ही। किसी को यकीन नहीं होगा कि संजू सैमसन एक बार फिर से वानिंदु हसरंगा का शिकार हुए, पहले गेंद पर छक्का मारा था तो लग रहा था कि वानिंदु हसरंगा के खिलाफ तैयारी कर आए हैं, लेकिन शायद वो कहीं ना कहीं तैयारी मैदान तक नहीं काम आई। देवदत्त पडिकल के आउट होने के बाद संजू सैमसन भी आउट हो गए सस्ते में, फिर जॉस बटलर और शिमरन हेटमायर ने मैच को संभाला अपने दम पर 86 रन पर, जहां पर टीम के 3 विकेट हो चुके थे। तो उसके बाद हम सभी ने देखा किस तरीके से यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से पारी को अंजाम दिया। 83 रन की पार्टनरशिप हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच, 83 रनों की पार्टनरशिप जिसमें शिमरन हेटमायर ने 31 गेंदों में 42 रन 4 चौके 2 छक्के की मदद से मारे, यानी कि 4
फोर मारे और दो सिक्सेस मारे बड़े लंबे ही 31 बॉल में 42 रन बनाए शिमरन हेटमायर ने 135 बॉल में। तो वहीं जॉस बटलर की बात करें, जॉस बटलर ने बहुत ही बेहतरीन खेल दिखाते हुए पूरा पासा ही पलट दिया। उन्होंने लास्ट के कुछ ओवरों में, जो लास्ट के दो तीन ओवर थे उसमें, तो मतलब बेहतरीन बल्लेबाजी करी और आज एक भी चौका नहीं लगाया। ये सबसे बड़ी खासियत है, ये शायद एक अपने आप में बड़ा कीर्तिमान है कि किसी बल्लेबाज ने 50 मारी लेकिन एक भी चौका नहीं लगाया T20 जैसे मुकाबले में। 47 बॉल में 70 रन की पार के लिए जॉस बटलर ने 205 रन के साथ ये ऑरेंज कैप होल्डर के प्रबल दावेदार बनते नजर आ रहे हैं। पिछले मैच में छक्के पारी आई थी, इस मुकाबले में 70 रन नाबाद बनाए 47 गेंदों में 6 छक्के की बदौलत, चौका एक भी नहीं मारा। इस बीच इनका स्ट्राइक रेट 148 का था। लास्ट में टीम का जो रन रेट था वो तेजी से गिर रहा था, लेकिन लास्ट के कुछ ओवरों में, खासकर आखिरी के दो ओवरों में 4 छक्के लगाए थे। उन पहले वाले ओवर में भी 2 छक्के, उसके बाद आखिरी वाले ओवर में भी 2 छक्के, बड़े खूबसूरत वो छक्के थे। लेकिन गेंदबाजों की बात करें तो एक विकेट विले ने चटकाई थी, एक विकेट हसरंगा, एक विकेट हर्षल पटेल ने। अब बारी आई बैंगलोर के चेस की, तो 170 चेस करना था यानी कि 170 रन। फैफ डू प्लेसिस 20 गेंदों में 29 रन बनाकर चहल का शिकार हुए, मतलब ये चहल का सबसे बड़ा, कह सकते हैं बहुत बड़ा विकेट था युजवेंद्र चहल का, जो पहले बैंगलोर से खेलते थे, अब वो राजस्थान से खेलते हुए बैंगलोर के खिलाफ गेंदबाजी कर रहे थे। ये बहुत अच्छा नज़ारा था। वैसे पहला विकेट फैफ डू प्लेसिस का 7वें ओवर की गेंद पर गिरा था, जहाँ 7वें ओवर के आखिरी गेंद पर, जहाँ 55 रन यानी 55 रन पहुंच चुका था स्कोर। शुरुआत अच्छी रही थी पावर प्ले की, 6 ओवर में 48 रन आए थे आरसीबी के, लेकिन मिडिल ऑर्डर में जो 7 से करीब 14 ओवर तक का खेल होता है उसमें 40 रन आए थे और 5 विकेट गिरे थे उस 7 से 14 ओवर तक के खेल के बीच में। अनुज रावत ने 25 गेंदों में 26 रन बनाया, सेट होने के लिए कुछ ज़्यादा ही समय ले रहे थे, 4 चौके बनाए थे। नवदीप सैनी जो पहले बैंगलोर से खेलते थे, उन्होंने भी अनुज रावत का विकेट लिया। दोनों ओपनिंग बल्लेबाजों को, दोनों पुराने फ्रेंचाइजेस यानी आरसीबी के दोनों पुराने प्लेयर नवदीप सैनी और युजवेंद्र चहल ने शिकार करके चलता किया। फैफ डू प्लेसिस 20 गेंदों में 29 रन बनाकर चहल के शिकार हुए, बोल्ट ने कैच पकड़ा, अनुज रावत नवदीप सैनी का शिकार हुए। विराट कोहली का रनआउट सबसे ज़्यादा चर्चाओं में, विराट कोहली को रनआउट करा यहाँ पर युजवेंद्र चहल ने, सबसे इंटरेस्टिंग तो वही था। 6 गेंदों में 5 रन बनाकर विराट कोहली को चलता किया यहाँ पर रनआउट के रूप में। 9वें ओवर की 4थी गेंद पर 62 रन पर स्कोर था, उसकी अगली ही गेंद पर डेविड विले का विकेट युजवेंद्र चहल ने लेकर पूरा मुकाबला ही पलट दिया। शेरफन रदरफोर्ड 10 गेंदों में 5 रन बना पाए और ट्रेंट बोल्ट ने इनका विकेट लेकर टीम को एक और खुशी दी। 87 रन तक टीम के 13वें ओवर की 3री गेंद तक शेरफन रदरफोर्ड के रूप में 5 विकेट हो चुके थे। शेरफन रदरफोर्ड, डेविड विले, विराट कोहली, अनुज रावत और फैफ डू प्लेसिस पवेलियन वापस जा चुके थे, लेकिन यहां से शहबाज अहमद का साथ देने के लिए आते हैं दिनेश कार्तिक। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था मैच का 87 रन पर, जहां पर दिनेश कार्तिक मैदान पर कदम रखते हैं, तो उस बीच हमको देखने को मिलता है 67 रन की पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच 5 ओवरों के अंदर बीच होती है, जिसमें 23 बॉल में आज के मुकाबले की बात करें तो 44 रन बनाते हैं दिनेश कार्तिक, 7 चौके 1 छक्के की बदौलत, और शहबाज अहमद 26 बॉल में 45 रन, 4 चौके 3 छक्के की बदौलत। जब शहबाज अहमद का विकेट गिरता है तो 18वें ओवर की 5वीं गेंद तक टीम का स्कोर 154 रन पहुंच चुका होता है, यानी कि यहां से लास्ट के दो ओवरों में सिर्फ जीत के लिए 16 रन चाहिए थे, जो आसानी से हर्षल पटेल ने एक आखिरी छक्का मारा था यशस्वी जायसवाली गेंद पर, और शहबाज अहमद से पहले दिनेश कार्तिक ने भी अपने चौके छक्कों की पारी से टीम को आसानी से जीत दर्ज कराई इस मुकाबले में। तो 26 गेंदों में 45 रन की पारी शहबाज अहमद, 4 चौके 3 छक्के, 173 का स्ट्राइक रेट, ट्रेंट बोल्ट ने विकेट ली इनकी 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर। दिनेश कार्तिक 23 गेंदों में 44 रन, 7 चौके 1 छक्के और 191 का स्ट्राइक रेट। यशस्वी जायसवाल आखिरी ओवर कराने आए थे, इसमें 3 रन चाहिए थे जीत के लिए, पहली गेंद पर छक्का मार के हर्षल पटेल ने किया था मैच खत्म, और 4 विकेट से यह मुकाबला जीतने में कामयाब रही टीम बैंगलोर। बात करें ऑरेंज कैप, पर्पल कैप और पॉइंट्स टेबल की, तो आपको बता दें पॉइंट्स टेबल राजस्थान अब भी नंबर 1 पर है, नेट रन रेट अच्छा है, 3 में से 2 मैच यह भी जीते हैं, 3 में से 2 कोलकाता भी जीते हैं, एकमात्र गुजरात है जो अभी तक इस सीज़न का एक भी मैच नहीं आ रही है, दोनों में से दोनों मैच जीते हैं। बैंगलोर इसी जीत के साथ 6 नंबर पर है, 3 में से 2 मैच जीते हैं 1 हारे हैं। लखनऊ 3 में से 2 जीते एक हारे 5वें पर है, पंजाब 4थे पर है, दिल्ली 7वें पर है 2 में से 1 मैच जीतकर, 8वें पर मुंबई जो खाता नहीं खोली जीत का, चेन्नई 9वें पर, 10वें पर हैदराबाद, ये तीनों ही टीमें अभी तक यहां पर सूखी हैं, मतलब कि इनको एक भी जीत नसीब नहीं हुई है इस सीजन 2022 के। वही बात करें ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की, तो ऑरेंज कैप की लिस्ट में सबसे आगे आ गए हैं दोस्तों जॉस बटलर 205 रन के साथ। तो वहीं बात करें पर्पल कैप की, पर्पल कैप में हमें देखने को मिले उमेश यादव, जिन्होंने 3 मैचों में 8 विकेट चटकाकर अभी भी उनके साथ बने हुए पर्पल कैप में नंबर 1 पर, उनके पीछे आवेश खान, रवि बिश्नोई जैसे कई और खतरनाक गेंदबाज लाइन में नजर आ रहे हैं। तो ये था दोस्तों टाटा आईपीएल 2022 का मैच नंबर 13 का पूरा हाईलाइट। काफ़ी कैच छूटी जो जॉस बटलर की, शुरुआत में 6 ओवर की 4थी गेंद पर भी छूटी थी, मतलब वो कैच थोड़ी महंगी साबित रही,
70 रन बना दिए थे जोस बटलर ने। दिनेश कार्तिक और शाहबाज अहमद के नाम रहे यह मैच, ये यादगार रहा मैच, तभी जीत पाए, वरना यह मैच बैंगलोर हार चुकी थी, पूरी तरीके से हार चुकी थी, कोई उम्मीद नहीं थी। 40 गेंदों में 80 रन चाहिए थे, एक दो विकेट और गिरने की बात थी और बैंगलोर तो हार चुकी थी, लेकिन दिनेश कार्तिक ने बेहतरीन एक्सपीरियंस बल्लेबाज के रूप में एक पारी खेली और जीत दिलाई 4 विकेट से। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की